हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई एम डॉक्टर मीनाक्षी गुप्ता एंड टुडे वी विल स्टार्ट आवर फिफ्थ चैप्टर फ्रॉम एनएसओ एमटीजी बुक एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर साइंस ओलंपियाड। ओके, एंड वी हैव डन ऑलरेडी फोर चैप्टर। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल काइंडली गो देयर एंड चेक आउट। नाउ लेट स्टार्ट आवर फिफ्थ चैप्टर, दैट इज़ अ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड सेफ्टी रूल्स। आपके स्कूल में EVS की बुक में इसका चैप्टर होगा जिसमें ट्रांसपोर्ट दिखाया जाता है, कम्युनिकेशन, हम एक दूसरे से कैसे बात करते हैं या फिर हम सामान को या हम खुद एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, एंड सेफ्टी रूल्स क्या होने चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरी पार्ट। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल पोस्ट सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो व्हाट इज़ अ ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट क्या है? एक जगह से दूसरी जगह तक कोई भी सामान को पहुंचाना, या हम लोग ट्रैवल करते हैं, हम स्कूल जाते हैं, बस से स्कूल जाते हैं, या दूसरे हमारी सिटी में जाते हैं तो या बाय बस जाते हैं या बाय ट्रेन जाते हैं। सो वी नीड ट्रांसपोर्ट टू ट्रैवल फॉर गोइंग टू स्कूल, आर वर्क प्लेसेस, सोशल गैदरिंग एट्सेट्रा। तो इन सब काम के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। एंड कैरी गुड्स टू डिफरेंट प्लेसेस, गुड्स होते हैं सामान, जैसे हमारे खाने पीने के सामान है या क्लोदिंग है तो कैरी करके लेके जाना पड़ता है। तो उन सब चीज़ों के लिए हमें क्या, किसकी ज़रूरत पड़ती है? ट्रैवल करने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, किस तरीके से आप ट्रैवल कर सकते हो? एक तो लैंड ट्रांसपोर्ट, वो लैंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो कि लैंड पे चलते हैं, ज़मीन पर चलते हैं। नेक्स्ट इज़ एयर ट्रांसपोर्ट, जो हवा में चलते हैं। अनदर इज़ वाटर ट्रांसपोर्ट, जो कि पानी में ट्रैवल करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द लैंड ट्रांसपोर्ट। इट इज़ द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे ज़्यादा कॉमनली जो पर्सन यूज़ करते हैं हम, वो लैंड ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं। स्कूटर, कार, बसेस, ट्रक्स, बुलक कार्ट्स एट्सेट्रा, रन ऑन रोड्स, ये सारे जो है वो रोड्स पे चलती हैं। टू ट्रैवल वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेज वी यूज़ ट्रेन्स विच रन ऑन ट्रैक्स, और या फिर हमें बहुत दूर जाना होता है तो हम ट्रेन को यूज़ करते हैं, जो कि रेन के ट्रैक बने होते हैं ना, रास्ते बने होते हैं ना, लाइंस बनी होती हैं। नाउ एयर ट्रांसपोर्ट, दे आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे ज़्यादा जल्दी बहुत दूर एयर ट्रांसपोर्ट हमें पहुंचा देता है, दैट इज़ द एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स मूव इन एयर। और हेलीकॉप्टर और ये जो एरोप्लेन है ये बाया एयर हमें ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रैवल करने में हेल्प करते हैं। एरोप्लेन्स टेक पैसेंजर एज वेल एज गुड्स, वो पैसेंजर्स को भी लेके जाता है और किसको, सामान को भी वो साथ में कैरी करता है। अब है वाटर ट्रांसपोर्ट्स, बोट्स, शिप्स एंड स्टीमर्स मूव इन वाटर। तो कौन कौन है वाटर ट्रांसपोर्ट के? मीन्स बोट्स, शिप्स एंड स्टीमर्स, ये पानी में मूव करते हैं। बोट्स कैरी पीपल एंड गुड्स, सिमिलरली एरोप्लेन की तरह ये भी पीपल को भी कैरी करते हैं और सामान को भी कैरी करते हैं। अक्रॉस द लेक्स एंड रिवर्स, जैसे ये रिवर है, यहाँ से यहाँ तक लेके जाने के लिए बोट्स, शिप्स और स्टीमर्स यूज होते हैं। शिप्स कैरी पैसेंजर्स एंड गुड्स अक्रॉस द सीज एंड ओशियंस, और जो शिप्स हैं, जो बोट है वो स्मॉल के लिए है, छोटे सामान के लिए है या छोटी जगह को कवर करने के लिए, जैसे कि लेक्स और रिवर्स। बट जो शिप्स होती हैं वो पूरा ओशियंस को पार करके दूसरी तरफ पैसेंजर और गुड्स को लेकर जाती है, दैट इज़ फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज। तो बोट्स फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज एंड शिप्स आर फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज। नाउ एम्बुलेंस, फायर इंजन, पुलिस वैन एंड पोस्टल वैन आर सम स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये भी स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। क्यों है? क्योंकि एम्बुलेंस उनको कैरी करने के लिए यूज़ होते हैं जो बीमार होते हैं, फायर इंजन होता है जहाँ आग लग गई, पुलिस की वैन होती है, पोस्टल वैन होते हैं, तो ये सारे क्या है, स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। अब आता थे कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन मीन्स टू स्पीक, राइट और यूज साइन एंड साउंड्स टू शेयर आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन विद ईच अदर। जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, तो बात करके या लिख कर या कुछ साइंस के थ्रू या कुछ साउंड्स के थ्रू अपने आइडियाज़ को किसी दूसरे के साथ शेयर करना, या इन्फॉर्मेशन, जो मुझे नॉलेज है या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करने को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं। नाउ मैप्स एंड डायरेक्शंस, मैप्स आपको पता है, जैसे इंडिया का मैप हो गया, ऐसे पूरे वर्ल्ड का मैप ग्लोब पे होता है, तो उसमें कुछ डायरेक्शंस भी गिवन होती हैं कहाँ से कहाँ जाना है। अ डायरेक्शन इज़ द वे इन विच अ पर्सन और अ थिंग मूव्स। डायरेक्शन किसको बोलते हैं? कि आपने को ज़रूर आपने गूगल मैप देखा होगा, जब आप कार में ट्रेवल कर रहे होंगे उसमें डायरेक्शन आते हैं कि आप किस तरफ मूव कर रहे हो। मैप इज़ अ डायग्राम और अ ड्राॅइंग ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया और प्लेस ऑन अ पेपर।
अब मैप क्या होता है, किसी पेपर पे किसी पर्टिकुलर प्लेस का पूरा डायग्राम बना होना, ड्राइंग बना होना, उसको बोलते हैं हम मैप बोलते हैं। रोड साइंस गिव इंफॉर्मेशंस और इंस्ट्रक्शंस टू रोड यूजर्स। हम रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं, कार पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस गिवन होती हैं। जैसे कभी लिखा होता है कि आपकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 50 पर किलो मीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कहीं पे लिखा होता है कि आपको यहाँ से ओवरटेक नहीं करना है ना। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि लिखी होती हैं। द रोड साइंस गिव इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन टू रोड यूजर्स। द रोड साइंस मैप्स एंड डायरेक्शन हेल्प अस टू लोकेट थिंग्स। और इसी तरीके से रोड साइंस होते हैं, जैसे आप किसी सिटी में जाने वाले हो तो उसका साइन पहले ही आने लग जाता है कि इतने किलोमीटर के बाद आपको ये सिटी मिलेगी अगर आप राइट टर्न करते हो, लेफ्ट टर्न करते हो, स्ट्रेट टर्न करते हो, सीधे जाते हो। तो हमें चीज़ों को लोकेट करने में ये हेल्प करता है। ना मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब मैं कम्युनिकेशन किस तरीके से करती हूँ, कम्युनिकेशन इसी का ही पार्ट है। एक तो है पोस्टल कम्युनिकेशन इज़ द मीन्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। पोस्टल मतलब मैंने लिख के लेटर डाला है, पोस्ट किया है, वो रिटन कम्युनिकेशन का मीन है। पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, स्टैम्प्ड एनवलप्स एटसेट्रा आर अवेलेबल एट पोस्ट ऑफिस। तो ये सारे जो हैं एनवलप्स, लेटर, स्टैम्प, ये सारे क्या है, पोस्टल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। एक होता है टेलीफोन। टेलीफोन इज द क्विकेस्ट एंड द मोस्ट कन्वीनियंट मीन्स ऑफ टू वे ऑडियो कम्युनिकेशन। हमें सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है, कुछ भी लिखा नहीं जाता है ना, तो ये ऑडियो कम्युनिकेशन हो गया। और फास्टेस्ट है, नंबर मिला है, दूसरे को नंबर मिल गया, उसने पिक कर लिया और बात हो गई। पोस्टल में तो हम पोस्ट करेंगे, उस एड्रेस पर ट्रेवल होकर जाएगा, फिर वहाँ से पोस्टमैन उसको डिलीवर करेगा, तो टाइम लग जाता है। न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन एंड इंटरनेट आर मीन्स ऑफ द मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन मीन्स न्यूज़ में कोई कोई भी खबर आती है ना, हम टीवी में न्यूज़ देखते हो तो कितने सारे लोग इकट्ठे एक ही न्यूज़ को देख लेते हैं। सिमिलरली जैसे न्यूज़पेपर है वो कितने घरों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, टेलीविजन है, इंटरनेट से, तो एक ही चीज़ इससे मास कम्युनिकेशन हो जाता है, एक ही चीज़ बहुत सारे लोगों को पहुँच जाती है। ईमेल इज वन ऑफ द फास्टेस्ट वे टू सेंड रिटर्न मैसेज। ईमेल में भी हम रिटर्न मैसेज टाइप करके अब किसी को भी भेज सकते हो। सेफ्टी रूल्स क्या है, टू कीप सेफ एंड टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। अभी इसका पार्ट है डायरेक्शंस का, जो सेफ्टी रूल्स है हमें क्या करना चाहिए, सेफ रहना चाहिए और एक्सीडेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स एट होम, अपने घर पर सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, एट स्कूल, स्कूल में करना चाहिए, ऑन द रोड्स एंड इन द प्ले ग्राउंड। रोड और प्ले ग्राउंड पर भी सेफ्टी रूल को हमें रखना चाहिए और इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जिससे कि एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। सो हियर वी हैव आई थिंक कम्प्लीटेड दिस चैप्टर। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज़ काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।